अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एंग्री रिएक्ट बुर्ज खलीफा। मुझे नहीं पता कि यार बुर्ज खलीफा पे इंडिया का सिर्फ झंडा लगा हुआ है, तो ये उसी के बारे में होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, तो तबीयत ख़राब थी जिस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो 15-16 अगस्त को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद अभी हम लोग दोबारा से अपलोड करें। अच्छा, ये कुछ वीडियोस थी जो कि पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो लेट्स गो इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि है क्या और क्यों पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा की वजह से तंग है। मेरे ख्याल से तो मैंने भी वो वीडियो एक देखी है जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि झंडा दिखा रही है कि यार पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया। तो खैर, सच क्या है वो तो अभी हाँ, मैं बताता हूँ। और इस रियल तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी हमें फॉलो कर अगर कोई लीजिए। वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप हाँ, लोग तो कर वो सकते हैं, ये हमें भी कमेंट एक सेक्शन। सजेस्टेड वीडियो है। हाँ, तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी सजेस्टेड वीडियोस के ऊपर ही रिएक्ट करें। बज के 1 मिनट हो गया है, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज आ खलीफा। ये आवाज़ मैंने सुनी हुई है, और ये जाहिल लड़की की मैंने आवाज़ सुनी हुई है। ये 12:01 वाला सीन, ये मैं खुद दुबई इतना टाइम रह के आया हूँ, दुबई वाले मिस कर ही नहीं सकते पाकिस्तान का झंडा। ऑलरेडी झंडा लगा है, ये वही बात हो पाकिस्तान रही का है। झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं औकात रहेगी हमारी। किसान की, पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। अच्छा, इंडिया वालों ने अपना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 76। अच्छा, ओके ओके। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीजेस बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम ये आगे आगे क्या सना, करेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी ये यार मुझे सना देखिए। अमजद है, तू इसको भी नहीं पता कि यार झंडा लगा है पाकिस्तान का। यार क्या जाहिलियत में ये लोग रह रहे हैं, रिसर्च करके, इंटरव्यूज रिसर्च भी करनी करना हो तो चाहिए। रिसर्च करके करते मुझे हैं लगा सिर्फ। अच्छा कोई इंडियन सिर्फ बात कर रहा होगा हाँ, इस वीडियो में कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा। ये क्या ये जाहिलियत है यार। मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा पूरे 12। ये क्या ओ कर रहे हैं भाई, भाई। सांस ले ले, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता यार। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप जब रिसर्च नहीं करते ना, एग्जैक्टली, ट्रक रिसर्च की नहीं बत्ती के करते। पीछे लग हाँ, ट्रक की जाना बत्ती ये के कह पीछे सकते हैं हम पाकिस्तान के यहाँ अंदर पे। कहते हैं तो, लेकिन आप रिसर्च नहीं करते। सुबह उठते हो, आंख खोली है, बस हाँ, देखा है बस कि देखा है तो उस वो पे किसी आप किसी रिएक्ट करना किसी शुरू लड़की ने लगाया हुआ है। ओ भाई, औरतों का वैसे ही दिमाग नहीं होता, नहीं होता है, सॉरी इसका है। तो मतलब ये है कि किसी लड़की ने वीडियो लगा दी, उसने अब फन में लगाई है जिस जिस चक्कर में भी, तो ये इसने माइक उठाया सुबह सवेरे सवेरे जाके लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ दिए। हमने भी घुसेड़े हैं, लेकिन यार तरीके तो ऐसे से। ही नेगेटिविटी जो है ना हाँ, वो अभी फजूल का स्प्रेड। अपने कंट्री को बदनाम करने वाली हरकतें हैं हाँ, ये, जाहिल 2 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन है। झंडा कहीं भी नहीं लगा। हमारी आजादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे, और जो अच्छा उनकी आजादी है वो पूरी दुनिया में चलो भाई, सेलिब्रेट की जा रही है। अंकल आप भी रह जय गए हिंद थे। दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान जिस सऊदी अरेबिया और यूएई और के दम पर इंडिया वाले इतना ऐसी वीडियोस और ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं ना तो जाहिर सी पाकिस्तान की बात है, वो उनकी फिर नजरिए। पाकिस्तान की बात हो रही है तो हाँ, फिर मजा तो पाकिस्तान के बगैर नहीं आता ना। है उन्हीं देशों ने ये तो है। पाकिस्तान की भरमार बेइज्जती कर डाली है, और अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छा गुस्सा आ यार ही रहा है, ठहर जाओ, लेकिन वो मैं यहाँ ये पर ठहर कुछ जाओ, बल्कि मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान का फ्लैग वहां पर लगा है 76। तो ये रही वीडियो, हैप्पी इंडिपेंडेंस 76 डे, ये सामने है वीडियो, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी फ्लैग लगा है यहाँ पर, ये सिर्फ एक फजूल किस्म की, ये देखो हैप्पी 76 इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि कभी भी किसी ने भी कोई बात करनी है ना, तो उससे पहले उसको चाहिए कि कुछ रिसर्च कर ले, तो उसके बाद बात करे, बाकी फिर फजूल रह जाती है। मुझे तो वीडियो की अब समझ कुछ नहीं भी नहीं आएगी। कर सकते, क्योंकि जिस देश के लोगों को खुद के देश में कुछ भी करने की आजादी ना हो तो वो दूसरे देश में क्या ही कर सकते यार मैं हैं। अच्छा वाला क्या हाल हंसता है दुबई हूँ। के अंदर? बुर्ज चलो फिर खलीफा, भी सुन लेते बुर्ज खलीफा के बारे में पता आपको? जी जी बुर्ज बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहां पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया, क्या वजह है?
ये असल में मुल्क की हालात इस किस्म की है ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पे हालात जरा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में जरूर सोचे और ये मुल्क की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर सर, उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा, क्या वजूहत है? अब दरअसल हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को दुनिया भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अमेरिका से लेकर यूएई, यूएई से लेकर मलेशिया, मलेशिया से लेकर कनाडा और दुनिया के कई और बड़े बड़े विकसित देशों की बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंगों पर भारतीय झंडे का लाइव शो हुआ। यूएई जैसे देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देने के लिए और अपने संबंध भारत के साथ और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बुर्ज खलीफा जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां पर भारतीय झंडे का एलईडी शो किया। बेसिकली हर कंट्री का झंडा नहीं लगता बुर्ज खलीफा पे। बुर्ज खलीफा पे मैं एक बात बता दूं, ये इस वीडियो के अंदर भी बता रहा था वो दूसरा लड़का जो पाकिस्तानी लड़का था वो इंटरव्यू में, कि हर कंट्री का झंडा लगता है जब भी उसका इंडिपेंडेंस डे। अब उसने माइक पकड़ा हुआ, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, जो बोली जा रहा है जो लगा हुआ है वो बोल रहा है। दुबई के अंदर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के झंडे लगते हैं जो कंट्रीज के लोग वहां पर हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, नंबर फर्स्ट पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, सेकंड नंबर पे यूके वालों की इन्वेस्टमेंट है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। फिर आ जाते हैं आपके वहां पर मतलब और कंट्रीज जो अरब कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोग भी आ जाते हैं। फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये तकरीबन 35-40 कंट्रीज होंगे जिनके सिर्फ इस तरह के इंडिपेंडेंस आते हैं डेज तो लगता है, इसके अलावा 206 के 207 कंट्रीज समथिंग कुछ इतने हैं तो वन पता नहीं, तो इस तरीके से किसी हर किसी का भी नहीं लगता। अब जाहिलियत की मैं यही कहूंगा कि यार पाकिस्तान वो नॉलेज की बात नहीं है, जाहिलियत में आ जाते कि आप सर्च ही नहीं कर रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को इतना मतलब मिलता है प्रोटोकॉल, क्योंकि इंडिया पैसा लगा रहा है भाई वहां पर। अब हिंदी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है ये नहीं पढ़ने आता, अगर किसी को समझ आ रही क्या लिखा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये मेरे ख्याल से अमेरिका है, अमेरिका है ये, कनाडा है। फायरवर्क जो हो रहा है वो भी इंडियन फ्लैग वाला हो रहा है। ये टोरंटो है, अमेरिका, चाइना। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का कोई भी झंडा नहीं लगाया, और ये देखकर बेशक पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आई लेकिन वो यूएई का कुछ भी नहीं कर पाए। और आखिरकार पाकिस्तान जैसे देश यूएई जैसे देशों का कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे ही देश हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज चल पा रहा है। खैर यूएई जैसे देशों को तो छोड़ो, जो पाकिस्तान की आम जनता है उन्होंने भी अपने घर पर कोई भी पाकिस्तानी झंडा नहीं लगाया था उनका यहाँ पर। यार बेसिकली उसकी वजह और है कि हम लोग क्यों नहीं मना रहे इस दफा 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान की 70% आवाम जो है वो के मतलब इस टाइम पे एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ी हुई है जिस पार्टी का लीडर इस टाइम पे जेल में है,
और उस चक्कर में बहुत सारे लोग इस बार नहीं मना रहे थे खुशी। तो यार यहाँ पर वीडियो तकरीबन काफ़ी बची हुई थी, तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट की वीडियो को मैंने इसलिए एंड कर दिया क्योंकि वीडियो में सही बताऊँ तो कोई सेंस नहीं थी। सेंस इस वजह से नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान का एक तो फ्लैग लगा हुआ था और उसके ऊपर सब सारी बात है, तो हमें बार बार वही बात आएगी, रिपीट होती रहेगी। मैं भी वही कहता रहूंगा कि नहीं पाकिस्तान का फ्लैग लगा, कमेंट्स में लोग वही कहेंगे जो पहली बार में मेरे कहने पे लोग बोलेंगे कि नहीं 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 पाकिस्तान की तो बड़ी बेइज्जती हुई। तो वही बात बार बार आप लोगों ने करनी है, मुझे पता है, फिर मैं भी एक ही बात बार बार करूंगा, अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक रही इस बार 14 अगस्त को प्रॉपर तरीके से ना मनाने की, तो वो मैं बता चुका हूँ कि हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल काफ़ी इनस्टेबल है, तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात भी ख़राब हैं। तो आने वाले टाइम में देखो अगर इलेक्शन होते हैं तो, अगर होते हैं तो अच्छे कोई अच्छी पार्टी आती है या कोई अच्छे लोग आते हैं, वैसे नहीं है मतलब नहीं आ सकते नहीं, लेकिन अगर अगर किसी को समझ आ गई तो शायद मुल्क किसी अच्छे रास्ते पे चला जाए, बट नहीं तो पाकिस्तान का जिस तरफ मुंह हुआ है ना आगे खाई है, जाना हम लोगों ने खाई में ही है। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, बस हम दुआ ही कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए नहीं तो किधर किसी और मुल्क चले जाएंगे तो खैर वीडियो जरा मजा नहीं आया देख के मुझे। और हाँ ये चीज मैंने इंजॉय की है कि इंडिया का फ्लैग बहुत सारे कंट्रीज में लगा है और ये एक अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि इंडिया ने अपना नाम बनाया पूरी वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया ने इंडिया का फ्लैग देखो वैसे ही नहीं लग रहा, कुछ कर रहा है इंडिया तो इस वजह से लग रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का भी फ्लैग लगा है सिर्फ बुर्ज खलीफा पे, और कहीं भी नहीं लगा। तो इंजॉय यार, चिल करो, शायद और किसी कंट्री में लगा भी हो तो मैंने उसके बारे में सर्च नहीं किया था, बट इसका बुर्ज खलीफा का मैंने जो है ना पूरा प्रॉपर प्रूफ निकाल के रखा हुआ था। तो खैर अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। और अगर इसी तरीके से कोई और वीडियो सजेस्ट करनी है, इस तरह की नहीं, अगर वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे ना बताएं। हाँ इंस्टा पे भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, इंस्टा पे आप लोग हमें लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।